क्या है कमले? ये औरत तो पेड़ा पाला तने शर्म आवा तो उठ ले तो मेरे पे गाली खा ले गुन्नू सो। मैंने आपसे कहा था क्या कि दोपहर का आटा उसन के दर्द हो गुन के दर्द हो करिया आपने खाली तो पड़िया मेरा दिमाग बका सॉरी हां मैं अच्छी क्यों लगती है बीबी हाँ। बुढ़ापे में अच्छी क्यों लगती है अरे ना चलाली सवेरी के सारे बर्तन बुर्तन मांजन लाए देख भाई बंगाली हमारा पार्सल आया है बहुत दिनों के बाद। हेलो एवरीवन नमस्ते जी और कैसे हैं आप लोग तो अच्छे वो सब जुड़े भगवान जी से यही उम्मीद करती हूँ कि भाई मेरा सबसे बढ़िया यूट्यूब एंड फेसबुक परिवार एंड मस्त एंड खुश होगा तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो हम सुबह से ही शुरू कर रहे हैं, सुबह का टाइम है और मौसम आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही अच्छा मौसम है। अरे देखो गुन्नू यहाँ क्या कर रहा है गुन्नू? गुन्नू अपने लिए भाई 5 रुपए का फ़ोन ले आया आज सुबह सुबह कुरकुरे के साथ इसको मिला एक कवर। और मेरी दादी देखो अंदर से देखे जा रही है ये नहीं कि भाई मैं खुद ही चल के बाहर आ जाऊँ और आप लोगों को राम राम कर दूँ। राम राम जी सबने दादी यार एक बात बताऊ ये चश्मे बिना आप अच्छे नहीं लगते तो सबसे पहले है जो चश्मा लाओ शाबाश। देखो भाई मैं दादी लागे पूरी है मामा लेने अच्छी लग गई अच्छी लग गई मैं चलाड़ी के कर जी फिर है कुछ नहीं यार सफाई करो तो दो गलती दो लिए बताऊंगी इतना बता दो फिर जल्दी बात तो मैंने काम करना। एक जना ने पूछा बीबी बुढ़ापे में अच्छी क्यों लगती है? बीबी हाँ बुढ़ापे में अच्छी क्यों लगती है? एक जना बोलिया भाई अच्छी चीज लेट समझ में आती है। बीबी बुढ़ापे में अच्छी क्यों लगती है? मतलब अच्छी चीज अक्सर लेट समझ में आती है। ला भाई कर तुम ही लेट समझी थी के मेरे बाबे ने जब तक समझे तब तक भगवान ने समझ लिया ऊपर को फिर राम ने ले लिया। हम तो माथे रखे हैं सही सही रखे अच्छा देख रहा बस दादी डायलॉग मटक चलूंगी बस तो नाचे रहे नाच दिया रहेगा डांसर बन गया सपना तो इधर ही गला नाच रहा है साइड में मेरे बहुत ऑफर आवे है मेरे दादी के भी आवे है हम ऐसे थोड़ी ऐसे नाचेंगे लेट होगी कुछ मौसम खराब है। आज मैं बाहर चला गया था थोड़ा सुबह काम के लिए तो प्रिया आज खुद ही बर्तन मांज रही नहीं तो इस टाइम मैं बैठा होता इस हॉट सीट पर। अब इन्हें सारा झाड़ू पोछा कर लिया झाड़ू पोछे का काम तो रह रहा है बर्तन साफ कर लिए और क्या कर लिया उरे बाहर झाड़ू मार दिया। अच्छा मैंने आपसे कहा था क्या कि दोपहर का आटा उसन के दर्द हो गून के दर्द हो करिया आपने और सब्जी बना के दर्द हो बोल गया था यार मैं बोल कैसे गए खाना क्यों नहीं बोल दे इबाल मार दी को नहीं कल तो ये गर्दन तोड़ी थी आज ये हाथ तोड़ूंगी फिर यार मैं भूल गया यार क्या बोल गए काम भी नहीं कर सकते कुछ भी मेरे ऊपर चढ़ा रखा सारा काम जाऊं कर दे यार थाली कर दे यार फिर कौन सी थाली परात जिसमें चूं थाली होती है वो और क्या हुआ थाली ऊपर बेला तेरी मन लेके चल भाई देख ले मां तेरी आई कर चल यार ये दूध का काम ना घाटा में रहूंगी बाधा में रहूंगी ये मैं चला रही है। हाँ दादी पूरा आओ क्या कहो आप ये दूध का काम अपनी ईमानदारी तक कर तो लिया दूध का काम हाँ छेड़ा छेड़ू अपनी डायरी का काम करूंगी मैं ही फिर अच्छा एक लीटर दूध मैं फिर पानी कितना के पड़ा पुड़ा है हैं अपनी ईमानदारी का काम तय करूंगी फिर ये ईमानदारी कड़ा की रहेगी कहाँ की रहेगी कि एक ईमानदारी कहां रहेगी तो ईमानदारी तक काम करूंगी जब दूध में पानी गिर लाएगी तो बताइए ना कितना पड़ेगा दूध में सो जा हिमाचल आई नींद आ रही दो बज रहे दोपहर के सारे सो जाता है ना सो जा लीटर दूध में कितना पानी दादी पड़ा है एक लीटर दूध में एक लोग यही फेंक देंगे सारा दूध पीटना आओगे मन तो एक काम करिए थोड़ा गिर लेंगे सुन तो मैं बताऊंगा तना मतलब एक किलो दूध में ना
मतलब पाइया पानी डाल देना 250 ग्राम थोड़ा भी तो करना। कोई ग्राहक आवा ना भाई आज तो दूध पतला था तो ऐसे बोलना भाई खड़ को नहीं गेरी घास को नहीं खाया हाँ भाई भैंस ने दूध पतला दे दिया ये वो ऐसे बहाने मारिए फिर ठीक है कर लेंगे ये तो काम हाँ। भाई दोपहर का 2 बज रहा ब्लॉग शूट हो लग रहा सोन भी तो मैंने न्यू कहूं थी बिस यू ले रही नमकीन ले आए उसका खतर है अच्छा देवांगे महले भी सुन लो फिर इसमें आता कौन कुछ है खान शुरुआत नहीं मैं कह देगा मैं कहने खांदी मैं लंदी फिर आया तो कौन सा और आधी किलो का पूरा रहा यू तो मैंने वो कह रहा है खाली है यू खाली और मैं तो उठी दियो थी मैं बकाऊंगी उसने कहूंगी लाए नमकीन अच्छा आई तेरे खातर अच्छा वा उस वा बकानी है के और मैं तो उस खातर ही आई थी चुप हो जाने बोल मैं बुला लियो ना ठीक है इमा प्रिया इमा तो लाली है ला आ लगी चुप हो जा कदी तो बेटा टाटन लाए नहीं थे खाली है खाली है कदी तेरा क्या दादी बुलावा या हाँ भाई ओ नमकीन देख मैं कौन था कितनी जब लपाव लाओ दे देना नमकीन का पूरा लिया आधी किलो का अच्छी किलो का खाली तो पड़िया मेरा दिमाग बकाओ सॉरी मारा क्यों दादी दादी का प्लान था यू क्या यार दादी है खाली किट्टी कर दिया खाली किस्ती कर दे मेरा बुद्धू बना मन चमका रहा देख ले भाई मेरा बुद्धू बना ला भाई मासरा यो की गुस्सा अरे दादी तन तो मैं पटवा दिया तेरा के बिगड़िया मैं तो पीछे दिए थे मां लिया दे ला यू हनी टेंट पे लगाते हैं ना इसमें पर्दे को अटकाते हैं देख बिल्कुल गोल्ड कोके की तरह लगता है हिमाचल वाले ना बकावांगे क्योंकि ना ये हमारे यहाँ टेंट वाले होते हैं ना ऊपर ये देख ये नीचे कपड़े सुखाते हैं और वहाँ से गिरा ये बिल्कुल देखो गोल्ड के जैसा लग रहा ना हिमाचल को बकाते हैं हिमाचल क्यों पीटा है मेरे पे देख हिमाचल तेरे खाते टेंट वाले के कोके गिर रहे ऊपर ते ठीक है खतर भेज रखे और तेरे खतर भेज रखे देख ले भाई कह दिए ना अपने मुंह ते तो मैं कसाई कर लग रही मेरे भाई है ऊपर मेरे खातर नहीं भेजेंगे तेरे खातर भेजेंगे मैंने शक हो गया मैं तेरा इधर पे तेरे खातर भेजेंगे देख ले भाई ना अपने मुंह तक आया मेरे भाई वो है एक्स बॉयफ्रेंड ऐसा तो ना मारे दूंगा मेरा लहर नहीं ठावा देख चोट मार क्या देख यहाँ अभी नाखून मार हमारा पार्सल आया है बहुत दिनों के बाद ला भाई मार्च लड़ी का आ गया यूके का पार्सल यूके के पार्सल एक फैन ना भेजा इसका अपना क्या आई व्हाइट कलर का मेरी बिलियान सी दिखा समा तो हैं मेरी बिलियान सी दिखा मेरी बिलियान सी हां बिलियान मतलब शर्ट के नीचे पैर ते जो ना ना और... आपका सामान नहीं इसमें और क्या इसमें मेरा सूट है ओहो अब कहोगे कि तेरा भरता ही नहीं ये देख ला भाई इसका मार्च लड़ी का भरता ही नहीं के यू देख ला भाई कलर का सूट है पर तब बजे ठीक तो आओ गोलू तेरा नहीं आई बेटी कुछ ही है उन्होंने तो सारा फेंक रोएगा भी यू इसकी ड्रेस सिर्फ आई नहीं सुना इसमें अपने अपने मंगांदी रोका दी तरह नु भी क्या मेरे बेटे का मुंह आऊंगी तो भाई मैंने मीशो से मंगा कहीं भाई आके कमेंट आ जा भाई थाम लड़ाई करो हिमाचल हिमाचल बोल कर रखा है भाई साहब देखिए हिमाचल की हिमाचल तो बोलना पड़ेगा हाँ यूके की लंदन की तो है नहीं हिमाचल बोला बुरा ना मानने करो भाई अभी मैं ना कंधे रहा मैं भी ना कंधा रहा हूँ और भाई ये है कि लड़ाई झगड़ा को हम वो आप सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए भाई लड़ाई झगड़े हमारे बीच ऐसा नहीं कि हम सारे दिन लड़ते रहते हैं और भाई ये तो पता है क्या एक असी मजाक है बाकी ये नहीं है कि भाई ये मेरा मारा ये तो मतलब एक एंटरटेनमेंट है बस ऐसे ऐसे कोई पागल नहीं होता जब अपने पति से ऐसे बदतमीजी से बात करे या मारेगा क्या होता मैं बाद में इसकी दुलाई करता हूँ हाँ मेरे ऊपर कर दे रहे हो ना क्या बताए कैमरा बंद होते इसकी पिटाई हो जाए वैसा भी हो सकता है चल कोई बात नहीं ऐसा नहीं है तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में